हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह सुबह मैं ब्लॉग वीडियो बना रहा हूं और बहुत ही सैड वीडियो है। और आप लोग देखेंगे इसमें आज हमारे छोटे भाई जो बड़े पिताजी के लड़के ननकू निषाद हैं, उनका 10वां है और उनकी आत्मा की शांति के लिए यहां पर नदी किनारे, गोमती नदी के किनारे शुद्ध किया जा रहा है, जिसमें लोग बाल बाल बनवाने आते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर काफ़ी लोग जुटे हुए हैं ननकू के आत्मा की शांति के लिए। हमारे साथ में बने हैं हमारे छोटे भाई रोहित निषाद जी भी। हाय गाइस, ठीक है दोस्तों। और मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, गोमती माता हैं और यहाँ पर आदि गंगा इनको बोला जाता है। ये देखिए, और ये कहा जाता है पुराणों में कि ये जो शुद्धक होता है उसको, मतलब नदी के तट पे बाल वाल बनवाने से, दाढ़ी वाल बनवाने से उनकी आत्मा को शांति मिलता है और लोग एक पवित्रता के लिए इसको रीति रिवाज को करते हैं। और ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ सामने, देखिए बने रहिए वीडियो आप लोग कि कैसे विधि विधान को किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों। हाँ, तो नाव महाराज जी बताइए, हाँ, कि जो गोहरी रखा हुआ है, हाँ, ये किसके लिए आया हुआ है? पाक चूरवा के। हाँ? पाक चूरवा के। ये पाक क्या होता है? पिंडा पर आ जाए। अच्छा अच्छा, हाँ। तो पिंडा किस चीज़ का बनाया जाता है? चावले के, चावल तिल्ली रही। अच्छा, और कुछ? वह मीठा आला चढ़ी, केला चढ़ी। अच्छा, बर्तन दे जाए, चादर दे जाए, खटिया दे जाए। अच्छा अच्छा, हाँ। देखिए भैया, पंडित जी अपना मंत्रोच्चार से शुद्धिकरण कर रहे हैं। सिंधु सरस्वती नर्मदा भागीरथी स्टे पावित्र जर चुन्नी छु ब्रह्म नामे शखाने शिखा वंदनम करो नियम हक तब पुरुषाल ओम केशवाय नमः ओम नारायण नमः पुरुषाल चोर भय पितृ भय महायोगी भय नित्य नमे सदा स्वाहा ओम देवता भय पितृ भय महायोगी भय नित्य नमे सदा स्वाहा ओम देवता भय पितृ भय महायोगी भय नित्य नमे सदा स्वाहा ओम देवता भय पितृ भय महायोगी ग्रह अद्य है, सब जानते हैं कश्यप देखिए विधि विधान बता रहे हैं पंडित जी। अद्य सब जानते हैं कश्यप गोस्वामी भ्राता ननकू ननकू निषाद कथा प्रतिमक सर्वोत्तम प्रथम सिरापूर्वक येष पिंड ते में आदीयते तो प्रतिशताम। फिर उठा जी, अद्य सब जानते हैं कश्यप गोस्वामी भ्राता ननकू निषाद कथा प्रतिमक सर्वोत्तम द्वितीय कग नाशिका नारी येष पिंड ते में आदीयते तो प्रतिशताम। अद्य सब जानते हैं कश्यप गोस्वामी भ्राता ननकू निषाद कथा प्रसाद विभक् सर्वोत्कामा तृतीय गणाज भुज नेत्र पूरक येष पिंड के में आदीयते तो प्रतिशताम। अद्य ई का भरत भैया? इलाई है। ई का होई? ई ब्राह्मण की। अच्छा, पंडित जी दिवाई। अच्छा, देखा दोस्तों, ये सब विधि विधान से शुद्धिकरण किया जाता है। यहाँ पर देखिए तमाम शुद्धिकरण के कारण ये रखा गया है। चालू है, देखिए इस तरह से पिंडा पर आ जाते हैं। क्या चीज़ पढ़ने जरूरी है का? ये वाले अंगुली से गोर के सब प्रतीति अखंड लीलाठ गंध चंदनम समर्पयामि यीशु शक्कर बन जाए सबसे पाछे बन यीशु। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से पिंड दान किया जाता है। नहीं करा हला मीठा दे दही रही ना हला मीठा चढ़ा। देखिए
ये पिंडा मतलब कितने पिंड हैं गुरुजी? अच्छा गुरुजी, ये 10 पिंडा क्यों बनाया जाता है? अंग का निर्माण होता है। अच्छा, जो शरीर जलाए हैं उसी का निर्माण है। अच्छा, उसी का निर्माण है। देखिए दोस्तों, ये जो 10 पिंडा बना है ये अंग का निर्माण किया जाता है। और इस तरह से देखिए, अच्छा गुरु जी बताइए, जो धागा रखे ये मतलब किस लिए रखा जाता है? जो सफेद धागा है, कच्चा सूत है। हाँ समझ, अच्छा वस्त्र है। अच्छा ये देखिए दोस्तों, ये सब शुद्धिकरण के लिए तमाम चीज़ें रखी गई हुई हैं। जैसे इत्र है, देखिए लावा है, रोरी है, और इधर कच्चा धागा बोलते हैं। और हमारे गुरुजी शुद्धिकरण करा रहे हैं। दोस्तों देखिए, इस तरह से विधि विधान किया जाता है। हमारे महापात्र पंडित जी हैं जो कि विधि विधान को विधि तरीके से करवा रहे हैं। ये देखिए, और हमारे हैं ग्राम के सेवकिया नाई, जिनको बोलते हैं मंजीत जी। मंजीत जी हैं, देखिए मंजीत जी इधर देखिए जरा। ये देखिए भाई, हमारे मंजीत जी हैं और जो सब विधि विधान को अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। भैया कायदे से मना उना दीजिएगा कि बाबू का आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी जाए उसकी आत्मा हमेशा रहे। आपको लोग देख रहे हैं इंटरनेट पे, इंटरनेट पे सब लोग आपको देख रहे हैं। आप लोग किस तरह से विधि विधान करवा रहे हैं भाई? अच्छा एक मिनट मंजीत जी, बताओ कि जो लोग पितृविसर्जन पानी दे रहे हैं तो वो जो होता है विधि विधान, आज ही संपन्न हो जाएगा सब की मतलब कुछ रह जाएगा? जैसे खाली काल दोनी धरी है। अच्छा आज, आज बार और बनवास सब रेडी हो जाएगी। हम वीडियो चल रहा था, हम बता देते हैं। हाँ गलती ना। हाँ अच्छी चीज़, तू जाके पूछ लिया। तो जैसे मतलब आज दाढ़ी बाल बनवा लेंगे सब लोग? हाँ, उसके यहाँ खाली पानी ना देखो। अच्छा। खाली नहाई के दोनों धर दे जा। अच्छा शनिवार की वजह से? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक, तो इस सब का कर रहे हैं भैया?